फ्रेंड्स, मैं आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक गुड न्यूज़ है मेरे को यूट्यूब की तरफ से आई है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपके साथ तो कुछ मीठा शेयर कर रही हूँ, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स, जो गुड न्यूज़ है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगी। तो चलिए मैं आपको इसका रेसिपी बताती हूँ, और मैंने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाला है, और जो आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो बिना स्किप किए हुए आप देखना लास्ट तक वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे और क्या मैंने डाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर लिया है, और उसके बाद मैंने 1 किलो दूध लिया है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, 1 किलो गाजर होता है तो मैं उसमें 1 किलो मिल्क लेती हूँ, और मैं विदाउट खोया बनाऊँगी, केवल दूध से ही बनाऊँगी, और टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा आएगा उसमें, और बिल्कुल इतना टेस्टी बनेगा कि आप हमेशा ऐसे ही बना के खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये गाजर मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसको हमको बारीक कद्दूकस वाले से ही करना है, मोटा वाले से नहीं करना है। और इस तरह से हम कद्दूकस करके सारे गाजर को कद्दूकस करके ले लेंगे, और उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो अब मैंने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई रख दिया है मैंने गैस पे, और गैस पे कढ़ाई गर्म हो गया है। अब डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे, और क्योंकि हमको गाजर को भूनना है, और गाजर को भूनने से क्या होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे में। तो इस तरह से जो मैंने घिस लिया है गाजर, उसको मैंने इसमें डाल देना है, और डालने के बाद हमें अच्छी तरह से भूनना है। हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारे जो गाजर का पानी है वो अच्छे से जल नहीं जाए। इस तरह से अगर आप हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे हम जो बताए आपको सीक्रेट, वो मेरा सीक्रेट है बीट रूट, और यहाँ पे मैं डालूँगी हाफ बीट रूट। ये बीट रूट डालने से हलवे का टेस्ट एकदम दुगुना टेस्टी हो जाता है, और कलर और टेक्सचर इतना अच्छा आता है कि आप हमेशा इस तरह से बनाएंगे और हलवे को, और देखेंगे कि आपका हलवा कितना टेस्टी बनता है। तो इसको भी मैंने इसके साथ डाल लिया है, और मैं इसको भूनूंगी, और उसके बाद मैं जो मेरा गाजर भून गया है, अब मैं यहाँ पे जो पूरा फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया है यहाँ पे, और वो मलाई सहित हमको यहाँ पे डालना है, और इसको इतना डालना है क्वांटिटी, पूरा जितना मैंने गाजर लिया उतना दूध उतना ही लेना है हमें। और इस तरह से हमारी गाजर पूरी देखिए डूब गई है, और इस तरह से एकदम परफेक्ट खोएदार हलवा बनेगा आपका। तो इस तरह से देखिए हम हलवा को चलाते हुए और इसको हम भूनेंगे, और हमें थोड़ा टाइम लगेगा पर हमारा हलवा बहुत अच्छा बनेगा इस तरह हम बनाएंगे। और अगर इस तरह से खोए का ऊपर से डाल के बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो आप ज़रूर इस वाले विधि से ज़रूर आप एक बार बनाए हलवा, और आपको हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से लगातार कभी चलाते हुए हमको हलवा को बनाना है। तो अभी धीरे धीरे बनता रहेगा, और लो टू मीडियम फ्लेम पे आप उसको रख दीजिए। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है यहाँ पे, किशमिश, काजू, बादाम लिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हलवा दूध काफ़ी जल गया है, और खोए खोया बन गया है उसका, देखिए दिखाई भी दे रहा है कि कितना अच्छे से देखिए खोया के बन रहा है दूध का, और उसके साथ हमारी गाजर भी भून रही है अच्छे से। तो इस तरह से देखिए हम अब इस स्टेज पर हमें कंटिन्यू चलाते ही रहना है, नहीं तो हमारा हलवा लग जाएगा यहाँ पर जो गाजर है। तो इस तरह से यहाँ पे लगातार हमको चलाते हुए भूनना है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश हमको पहले ऐड करना है यहाँ पे, ताकि हमारी किशमिश उसके अंदर अच्छे से फूल जाए और अच्छी हो जाए। और अब देखिए ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, और उसको मैं थोड़ा सा हल्का भून लूँगी, और भूनना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐसे भी, पर भून के डालेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनेगा, अच्छा लगेगा हलवे में। तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे, और इसको फिर निकाल के ठंडा करके और कूट लेंगे। आप चाहे तो हल्का सा तरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। यहाँ पर मैंने इलायची लिया है, उसको मैंने पहले कूट लिया है। अब यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है उसको भी मैं कूट रही हूँ, देखिए। तो इस तरह से हमको कूट लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने दरदरा कूट लिया है। अब यहाँ पर हम इसको डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह से।
और मिक्स कर लेना है और भूनते रहना है। जब तक हमारा पूरा दूध अच्छे से खोए के रूप में नहीं आ जाए तब तक हमें भूनते रहना है। अब इस स्टेज पे हम चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल जो चीनी लिया है, और चीनी आप अपने अनुसार, इतना जो डाला है मैंने परफेक्ट है, और अगर आपको कम ज़्यादा, कम मीठा ज़्यादा मीठा करना हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो मैंने इलायची कूट के लिया था वो मैं डाल दूंगी यहाँ पे, और इलायची को हमेशा उसके साथ ही डालना चाहिए ताकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अगर हम इलायची को कूट के और साथ में डालते हैं तो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए चीनी डालने से थोड़ा सा पतला हो गया है, और फिर उसके बाद अच्छे से भुनेगा, और खोया देखिए कितना अच्छा सा बन गया है, और टेक्सचर देखिए हलवे का कितना अच्छा आ रहा है, कलर भी कितना अच्छा है। तो इस तरह से हम हलवे को अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे, और हम आपको बताएंगे कि हलवा को हमें कब तक भूनना है कि हमारा हलवा परफेक्ट आपको खाने लायक होगा। क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं कि बहुत कम भूनते हैं तो हलवे में टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि एक दूसरे कढ़ाई में अब मैं घी थोड़ा ला लूँगी 1 चम्मच, आप घी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा हलवा रेडी हो गया उसको हम एक बार घी में फ्राई करेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो दूसरी कढ़ाई में, तो यहाँ पे जो जो हमारा हलवा रेडी हो गया उसको एक बार हम फिर से फ्राई करेंगे। उससे क्या होता है कि स्वाद एकदम दुगुना हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है हलवा हमारा खाने में। और अब हम इसको कंटिन्यू भूनते रहेंगे बिना रुके हुए, और हमें तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा हलवा से घी अलग नहीं हो जाए। जब तक घी अलग नहीं होता है तब तक हमें भूनना है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि कैसे हमें चेक करना है हलवे को। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा हलवा बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से देखिए आप चेक कर सकते हैं, देखिए अभी भी पानी हल्का हल्का हो रहा है। जब यहाँ पे एकदम घी छोड़ने लगेगा मीन्स कि हमारा हलवा रेडी हो गया है। तो मैं आपको देखिए दिखाती हूँ कि एकदम थोड़ा सा और है इसमें भूनने को। अब देखिए अब एकदम हलवा भुन गया है, यहाँ पे देखिए घी छोड़ रहा है। तो इस स्टेज पे हमें अपनी गैस को बंद करना है, और हमारा हलवा रेडी हो गया। आप देख सकते हैं घी अलग हो गया है और एकदम बढ़िया हलवा रेडी हो गया है। तो चलिए मैं अब सर्व कर लेती हूँ, तो आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरा यह हलवा बनाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के हमें अच्छा लगता है। और अगर अच्छा लगता है आपको तो शेयर कीजिएगा ज़रूर फ्रेंड्स फैमिली में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, ऑल पे ऑल को सेलेक्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई रेसिपी की डिमांड है तो आप ज़रूर बोलिएगा, मैं बनाऊंगी। और चलिए मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, गुड।